हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश शेफ रतोड़ी में आपका स्वागत है। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आपके परिवार को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए। और मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला है। मेरे साथ है आयुष और आज ये कैमरे का रोल निभा रहा है आयुष जो है। और आज आपको पूरे देहरादून से जो रायपुर का क्षेत्र है उसका आपको व्यू दिखाया जाएगा, किस तरीके का हमारा रायपुर का क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा आकर्षित वाला जो रायपुर का क्षेत्र है जो हमने देखा है। काफ़ी बचपन से हम घूमते आ रहे हैं लेकिन लंबे टाइम से हमने वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया हम इस क्षेत्र में। और आज हमें मौका मिला है, मेरे साथ है आयुष और आज हम जा रहे हैं मेले जी। हमें जी वो मेला वो रांझावाला में है, रांझावाला में जो है मेला लगा हुआ है। आप भी आइए और उत्तराखंड ऐसे मेलों को जो है आनंद लीजिए। और शॉपिंग जो होती है एकदम अच्छा जो है पहाड़ी व्यंजन वहाँ पे मिलता है और पहाड़ी जो और जो है न्यू ईयर पे आइए। पहला दिन था आज न्यू ईयर का और आज हम जो है अपनी फैमिली के साथ आए थे यहाँ पे मेला देखने जा रहे हैं। और मेला देखकर जब वापस आएंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी आए और मेला का आनंद लीजिए, अपने परिवार के साथ आइए, छोटे बच्चों के साथ आइए। बहुत अच्छा जो है आकर्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। जी और मैं स्कूटी में आए हैं और मम्मी और दीदी भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो बस में आ रहे हैं क्योंकि हम दोनों। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ उस टाइम कैसा। हार्दिक स्वागत है, पहले तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार को। और आज हम घूमने आए हैं रांझावाला में जहाँ पे मेला लगा हुआ है, आज हम मेले का आनंद लेने वाले हैं। चलिए चलते हैं मेले का आनंद। और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेले में दुकानें लगी हुई हैं। और आप भी आइए और कुछ खरीदारी कीजिए, मेले में आनंद लीजिए। अभी क्या कर रहे हो? पहले तो मैं ये खरीद रहे हैं, देखो यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। ये देखिए क्या खरीद रहे हो, कद्दूकस तो है हमारे घर में। हम जो है खरीदारी कर रहे हैं और ये घर में थोड़ा चाकू लेने के लिए बोल रहे हैं, नाइफ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह कितने अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे लगा हुआ है। और आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कीजिए और मेले का जो है आनंद लीजिए। कितनी अच्छी चरखी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे जो है गेम्स के लिए भी है। सामान और आप भी शॉपिंग कर सकते हो। बड़ी दोनों तीनों तो लगे हुए हैं सामान खरीदने पे, देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। घर के जरूरतमंद वाली सामान में। और यूट्यूब में जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आप पहले से आप तो आप सबको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब शेफ रतोड़ी का चैनल। हमें साथ में आई और आज हम दोनों जो है इन्जॉय करेंगे। अभी मोमेंट हमारा अच्छा रहा और हम मेरी जो छुट्टी है, मैं ड्यूटी से आया हूँ और अभी मेरी छुट्टी हो चुकी है। तो मैं आज थोड़ा मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद मेरे को टाइम मिला तो मैं और आयुष और हमारी फैमिली हम जो है घूमने आए हैं मेले में और आज इंजॉय करेंगे। किस तरीके से आप यहाँ पे कपड़े लेने आ सकते हैं? यहाँ बहुत वैरायटी के कपड़े हैं जी। बिल्कुल अपनी फैमिली को लेके बोलना चाहेंगे तुम इस बारे में? मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल बाहर से जो है शॉपिंग कर रहे हैं तो आज जो है हमारी फैमिली, हमारे माता पिता और ये है मेरी साली, मेरी वाइफ
मेरी वाइफ जो है एंजॉय करेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब। तो यहाँ पर जी अपने लिए टोपी सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी टोपी लें, ऐसा लग रहा हूँ। और यहाँ पर ये ट्राई करते हुए टोपियाँ, अंकल जी की टोपियाँ, हाँ आपके लिए बहुत अच्छी लग रही है। दीदी आप बताइए मेले में, बहुत अच्छा लग रहा है हमें मेले में, और इनको हमने पहाड़ी टोपी दिलाई है, ये बहुत टाइम से बोल रहे थे। बहुत टाइम बाद मैंने पहाड़ी टोपी ली है, लंबे टाइम बाद, काफी लंबे टाइम बाद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हमें मेले में। हम न्यू ईयर पे आए, न्यू ईयर हम यही हमने सेलिब्रेट किया है। अभी हम कुछ खाएंगे भी, कहाँ गए ये जी, आप हमें कुछ खिलाओगे? नहीं हाँ बिल्कुल, अभी खाते हैं जो भी होगा। सुनो इधर हो रही है हमारी बंटी की, लग रही है बंटी की, खाएंगे हम। क्या ले रहे हो तुम? तो हमारी बन टिक्की आ चुकी है, यो कचाली आए थे ना, यो तो अब हमारा मेला का आनंद लुप लिया जा रहा है। हमने खा लिया बर्गर और बहुत अच्छा टेस्ट था बर्गर का, और ये देखिए आपको किस तरीके कितना अच्छा यहाँ पे, थोड़ा रात होते ही मेले में ज़्यादा मज़ार चल जाएंगे और आनंद ले रहे हैं हम मेले का। आयुष को शायद उस वाली चरखी में बैठना था, वो बड़ी वाली में ना, और आयुष का मूड ऑफ हो गया है, ये देखिए आयुष अब स्माइल कर रहा है, और मम्मी और समृद्धि के लिए कुछ टॉयज वगैरह देख रहे हैं, ये देख लो टॉयज लगे हुए हैं 80 रुपीज के, वो हैं तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली है। तो दोस्तों अब हमारा लिया खरीदारी कर लिया, पेट पूजा कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके करेंगे अब डिनर की तैयारी होगी, अब डिनर करेंगे, उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। और ये घर जाने की तैयारी हो रही है, हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, और अब हम घर कर रहे हैं घर जाने की प्लानिंग, तो चलो जी जी पकड़ के रखो। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं स्कूटी में जी के साथ, और मम्मी और पैदल आ रहे हैं, घर जाने की तैयारी है, रास्ते में हैं हम लोग, और ये रायपुर का इलाका है, ठंड बहुत है, देखिए देहरादून में आराम से बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, और टेम्परेचर गिर चुका है देहरादून का, अब शाम का समय है, और काफ़ी लंबे टाइम बाद हम जो है ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाया जाए, और लंबा ब्लॉग बने, हम ये चाहते हैं कि अच्छा हमारा जो लोकेशन वो अच्छी रहे। रायपुर का क्षेत्र है, काफ़ी जाना माना इलाका है रायपुर का आयुष, तो आप देख सकते हैं शाम के टाइम यहाँ कितनी अच्छी चहल पहल है, आप भी आएँ अपने परिवार को लेके। और जब मैं सुबह जाता हूँ तो यहाँ पे जो है कोहरा रहता है, 5 बजे के आसपास जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तो ठंड बहुत होती है, और सुबह का टाइम होता है तो ठंडा इतना होता है कि, तो रायपुर से हम जाते हुए हमने जाना है गुल्लर घाटी, और मम्मी और अभी बस में रुके हुए पीछे, मम्मी और जो है बस से आएंगे क्योंकि हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी में
मसूरिया में, तो हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर चुके घर। हम कर रहे हैं वीडियो की एंडिंग, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और प्यार कीजिए।